दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका सी टैट 31 जनवरी 2021 का जो परीक्षा दोस्तों हुआ है सेकेंड पाली में अर्थात जूनियर स्तर का दोस्तों जो पेपर हुआ था पेपर 2। दोस्तों उस पेपर 2 में जो सभी आपके प्रश्न पूछे गए थे सभी 150 प्रश्न, जैसे कि इसमें पहला था आपका CDP बाल विकास मनोविज्ञान, दूसरा था आपका मैथ और साइंस साइंस वाले दोस्तों के लिए और आर्ट वाले दोस्तों के लिए, SST यानी कि सोशल साइंस और हिंदी, और इसके बाद सेकंड लैंग्वेज है आपका इंग्लिश। तो दोस्तों ये टोटल 4 पार्ट हम इस वीडियो में शामिल करेंगे और चारों पार्टों मिला करके आपका टोटल 150 प्रश्न होगा और उन सभी 150 प्रश्नों का हम लोगों इस वीडियो में फटाफट आंसर देखेंगे दोस्तों। तो ये आंसर की होगा आप लोगों का। तो दोस्तों बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ मेरे पास जो पेपर है वो मेरे पास पेपर है आपका पेपर 2। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न पत्र संख्या 2 है और मेरे पास पेपर कोड है P, और ये जो है आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि P वाला मेरे पास जो है पेपर कोड है, हो सकता है आपके पास कोई और हो, लेकिन दोस्तों सभी पेपर में प्रश्न जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं, परंतु जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद समझदार हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा पेपर कोड मेरे पास P है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाग 1 दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 1 से 30 प्रश्नों का उत्तर देना है। हम लोग हिंदी भाषा में देखेंगे दोस्तों, बाकी अगर आप इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं तो बाएं साइड में लेफ्ट साइड में आपका इंग्लिश भाषा में भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका बच्चों का विद्यालय में असफल होना। दोस्तों बच्चों का विद्यालय में असफल जो होना है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका पहले नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। दोस्तों समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि 1-S कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार प्रवर्तित करती है। दोस्तों तो तीसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील। दोस्तों अर्थात एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका प्रगतिशील यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो दोस्तों बेहद सिंपल प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जीन पियाजे के द्वारा यह कथन कहा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है इसमें दूसरा राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों विकास के विषय में जो कथन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है, यही दोस्तों आपका कथन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। दोस्तों 6 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। दोस्तों बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय भूमिका निभाता है। दोस्तों पहला प्राथमिक भूमिका आपका परिवार निभाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर द्वितीय कारक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। दोस्तों तो 8 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। दोस्तों बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो आपका बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 10वां प्रश्न कह रहा है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। दोस्तों निकटस्थ विकास का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उत्पादित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है, समीपस्थ क्षेत्र निकटस्थ क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन में कर्म में समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 12वां प्रश्न कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। दोस्तों तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ियों से दोस्तों संबंध हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दोस्तों 13वां प्रश्न कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14वां पकड़ा प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका 14 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की। ये प्रश्न पेपर में पेपर फर्स्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण वाला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों प्रभावशाली पद्धति है ऑप्शन नंबर पहला, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न कह रहा है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को, दोस्तों अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें, दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 19वां प्रश्न कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। दोस्तों ये डिसलेक्सिया दोस्तों ऑप्शन नंबर का चौथा यहाँ पर उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 19 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दोस्तों 20वां प्रश्न कह रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला दोस्तों आपका छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। दोस्तों समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित जो विचार है वो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को निम्न विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। दोस्तों तो 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 23वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 24वां प्रश्न, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। दोस्तों बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो होता है ये की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 25वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। दोस्तों 25 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको और आसानी से दिखाई दे सके। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, अर्थात विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं, और तीसरा विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो दोस्तों 26 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो राइट आंसर हो जाएगा, पाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। 27वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चे
प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम एक डैश 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 और डैश डैश प्रक्रिया है। दोस्तों अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर के प्रश्न में। 29वां प्रश्न कह रहा है कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषी विविधता को दोस्तों समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा जो है 29 नंबर के प्रश्न में राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरा आपका दोस्तों कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी के। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर के प्रश्न में। अब दोस्तों दूसरा पार्ट है आपका सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों सामाजिक अध्ययन इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन को दूसरे पार्ट के रूप में ले रहे हैं। बाकी इसके अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपका मैथ और साइंस को लूंगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो सामाजिक अध्ययन में दोस्तों आपका सेकंड पार्ट में आपका सामाजिक अध्ययन में दोस्तों 31 नंबर पर पहला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन भी कह रहा है कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 31 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न में। इस बार का सामाजिक अध्ययन का पेपर थोड़ा सा दोस्तों क्वालिटी उसकी जो है थोड़ी सी टफ थी। नेक्स्ट दोस्तों आपका 32 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर चौथा ए और बी दोनों सही है। ए ने बी को सुनिश्चित किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 33वां प्रश्न औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों यहाँ पर गलत पूछ रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया ऐसा नहीं था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 34वां प्रश्न कह रहा है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो बेहद सिंपल है दोस्तों आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 35 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो दोस्तों ए है इसे समाचार के माध्यमों से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम के माध्यम से देनी चाहिए। सी इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए दोस्तों। तो 35 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों केवल ए और सी। ए और सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों 36 नंबर के इस प्रश्न में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई नजर आई। ये दोस्तों जो है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका अगला दोस्तों थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर दें जी 37वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। दोस्तों ए यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। बेहद सिंपल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 38वां प्रश्न सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं दोस्तों इसमें आपका दूसरा विकल्प दोस्तों सूर्य ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 39वां प्रश्न कर रहा है थोड़ा सा ऊपर चला गया जी दोस्तों 39वां प्रश्न कर रहा है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। तो दोस्तों 39 नंबर के इस प्रश्न में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा ए और सी अर्थात प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और सी किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दूसरा ए और सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों 40वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। ए है इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। बी इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से असल की ओर बहती है। सी यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दोस्तों ये तीनों का तीनों गलत है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 41वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बेहद सिंपल दोस्तों, कई बार मैंने आपको पढ़ाया था अपने इस वीडियो में लेक्चर में, दोस्तों जो भी मैंने पढ़ाया था सीटेट के लिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट आपका 42वां प्रश्न, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। दोस्तों तो मध्य मंडल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। हम किसमें? मध्य मंडल में। और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर चौथा मध्य मंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 43वां प्रश्न, आपतन का संबंध है। दोस्तों आपतन का संबंध जो है सूर्य ऊर्जा के साथ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहां पर 43 नंबर के प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है 44 कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करिए। दोस्तों तो इसमें 44 नंबर के प्रश्न में जो आपका सही और राइट मिलान होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 45वां प्रश्न कह रहा है कि दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। दोस्तों तो ये 45 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ये सब दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस बार सामाजिक अध्ययन में सबका सब आपका ये NCERT की किताबों से, कक्षा 6, 7, 8 की किताबों से पूछा गया है। 6, 7, 8 का अगर आप NCERT का केवल किताब पढ़े होंगे सामाजिक अध्ययन का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, मतलब इस पेपर में जो कि इस बार हुआ है सीटेट का, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NCERT की किताबों से। तो दोस्तों पढ़ना चालू कर दीजिए NCERT की किताबों के लिए, वो तो पढ़ना ही चाहिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 46वां प्रश्न है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करिए। दोस्तों ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऑल ओवर जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी डॉल्फिन अभ्यारण बिहार राज्य में अवस्थित है। सी डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये तीनों का तीनों कथन सही है, बिल्कुल ए बी और सी तीनों सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47वां प्रश्न कह रहा है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण। दोस्तों बेहद सिंपल है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। दोस्तों ऑप्शन नंबर का दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 48वां प्रश्न कह रहा है कि संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों तो 48 नंबर के इस प्रश्न में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों ए गलत है परंतु बी सही है। दोस्तों सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, दोस्तों ये गलत है और बी सही है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 49वां प्रश्न, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करिए। दोस्तों तो इसमें आपका 49 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन में दूसरा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये दोनों आप मतलब 49 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करिए। दोस्तों तो 50 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ए का पहला मतलब एकदम सिंपल मिलान है, सीधा सीधा है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का ऐसा, मतलब ए बी सी डी बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 51 नंबर पर अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कि कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बी हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 51 नंबर के प्रश्न में पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पकड़ा प्रश्न, पुरास्थलों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों तो जो सही है 52 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों, केवल ए, अर्थात वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी बी सी डी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर पकड़ा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह केवल ए तथा डी दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा,
पत्थर की मुहरें और सोने से बने बर्तन बनाते थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर तीसरा ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर अगला प्रश्न, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों का अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल को अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो दोस्तों इसमें आपका 54 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा केवल ए तथा सी हड्डियों की संरचना और कंकालों के आकार, इन दोनों को देख करके पता लगा सकता है कि कौन सा कंकाल पुरुष का है और कौन सा महिला का। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा पर केवल ए तथा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम निम्नलिखित को सजाइए, वेदों की रचना। दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी डी वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी चरक। दोस्तों तो ये ए बी सी डी का क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 56 नंबर अगला प्रश्न, हाल के काल से शुरू करके और वही क्रम यानी कि उल्टा में सजाना है दोस्तों, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगरी आहत सिक्के उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडू पत्थर में बसना संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। दोस्तों तो इसमें आपका 56 नंबर के प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा सी डी ए बी, दोस्तों आपका सी डी ए बी ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर अगला प्रश्न, कथन ए चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बी चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। दोस्तों तो 57 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों कथन ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 58 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, बी उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। दोस्तों तो 58 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा ए गलत है किंतु बी सही है, दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहां पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 59 नंबर अगला प्रश्न, कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, बी तवारीख के लेखों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों 59 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 60 नंबर अगला प्रश्न, कथन ए अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, बी विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांतरता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोस्तों 60 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 61 नंबर अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो दोस्तों 61 नंबर के इस प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी, परिक्रमण दिन रात और मौसमी परिवर्तन, और ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर अगला प्रश्न, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन, ए बी सी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर अगला प्रश्न, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय के परिचय देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। दोस्तों सर्वोत्तम विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा दोस्तों, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट आपका 64 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने शिक्षक को बल देना चाहिए। दोस्तों तो शिक्षक को जो बल देना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 65 नंबर अगला प्रश्न, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। दोस्तों तो वो मछली पकड़ने के अधिकार के लिए एकत्रित हुए थे। दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो दोस्तों विविधता का उचित प्रतीक होता है ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों, यह लोगों की विशेषता को स्वीकारता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 67 भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों तो जो कथन गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 68 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। दोस्तों बेहद सिंपल है, इस समय दोस्तों प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों 5 साल के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 69 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है।
पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम होता है दोस्तों स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको SHO बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 70 अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया दोस्तों? तो ये मुहैया करा था महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 71 अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय किसे माना जाता है दोस्तों? तो न्यायपालिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 71 नंबर के प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट आपका 72 पूछ रहा है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था आपका आदिवासी एवं दलित। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी एवं दलित, जिसको SC ST एक्ट भी कहते हैं, SC ST एक्ट। 73 नंबर अगला प्रश्न, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है दोस्तों? उसे संघवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर का पहला यहां पर संघवाद राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर के प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना दोस्तों। तो 74 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा ए और बी दोनों सही है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका 75 कह रहा है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। तो ये केंद्रित करना चाहिए ऑप्शन में पहला दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कैसे या ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ऑप्शन में फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 76 में अगला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए दोस्तों। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 77 में अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, और डी विद्यालय परिषद के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, ए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बी सभी को सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सी संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों 78 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ए बी और सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट 79 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को करना चाहिए कि ए विभिन्न संस्कृति से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, बी केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, सी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आपका 80 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए ऑप्शन में पहला राइट आंसर हो जाएगा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर 80 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 81 नंबर अगला प्रश्न, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण दोस्तों, द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है इसमें दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो इसमें फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपका फिलहाल दूसरा सही होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टार लगाइएगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 82 नंबर पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित करते हैं दोस्तों? तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका, रुकैया सखास हुसैन कृति सुल्ताना का स्वप्न। 83 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए दोस्तों? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन। तो दोस्तों 83 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी डी, पहला विकल्प आपका ए बी और डी। नेक्स्ट आपका 84 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है दोस्तों, सक्रिय जो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाने के लिए करती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर 84 नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 85 नंबर अगला प्रश्न, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो अध्याय के अंत में दिए गए जो कथन सही है वो हो जाएगा दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर दूसरा, अर्थात ए बी और सी तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में दोस्तों
ए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है, बी सी दूसरों दिया गया है। तो इसमें 86 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 87 नंबर अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो दोस्तों इसमें आपका 87 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 88 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है दोस्तों। तो सबसे सर्वोत्तम हो सकती है ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 89 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा काया है कहना दोस्तों। तो इसमें आपका 89 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न का आपका सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, ए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, सी भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन करना। तो दोस्तों 90 नंबर के आखिरी प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी आपका तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला भाग है आपका भाग चार दोस्तों लैंग्वेज का, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी है, 91 से 120 के आंसर देने हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस गद्यांश को भली भांति पढ़ लिया होगा, खेल की कक्षा शुरू होती है एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से, ये गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इस गद्यांश के ऊपर दोस्तों आपका प्रश्न जो पूछ रहा है हिंदी में 91 नंबर पर कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है डैश डैश डैश, भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इस 91 नंबर के प्रश्न में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल वो होगा आपका विधानार्थक वाक्य दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ कुछ निषेधात्मक वाक्य भी जो है हो सकता है थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 92 नंबर अगला प्रश्न कह रहा है कि लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, तो दोस्तों लड़की जो है वो खेल नहीं सकती थी इसलिए छात्र हंसे, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 92 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 93 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, दोस्तों उसकी माँ ने दिया था, गद्यांश आपने पढ़ा है तो तुरंत आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों 94 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी आपका गद्यांश में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 95 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, दोस्तों लड़की के अनुसार सब कुछ संभव हो यदि सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यह सब आपका गद्यांश में दिया हुआ है। 96 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है गद्यांश में निहित मुख्य संदेश था, दोस्तों गद्यांश में मुख्य संदेश था सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 96 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका दोस्तों 97 कह रहा है कि आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, दोस्तों आश्चर्य से चकित राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर चौथा। 98 कह रहा है कि व्यंग किया सबसे उपयुक्त अर्थ होगा दोस्तों, उपहास किया सबसे उचित विकल्प होगा, 98 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 कह रहा है कि पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं दोस्तों, पौष्टिक दोस्तों जो है आपका ये तत्सम है, पौष्टिक जो है दोस्तों ये आपका पौष्टिक आपका तत्सम है और खुराक आपका ये आगत है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन में पहला राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर के प्रश्न में। अब दोस्तों यहां से 100 से 105 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके इस गद्यांश सॉरी इस कविता से होंगे, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोध न कोई बाधा, तो ये दोस्तों कविता आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और इस कविता के ऊपर दोस्तों आपका 100 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा में कि अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द, दोस्तों बेहद सिंपल है, डगर इसमें सबसे भिन्न है, बाकी बाधा अवरोध और व्यवधान ये सब समान है, डगर सबसे भिन्न है दोस्तों अर्थ की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 101 कह रहा है कि कविता का केंद्रीय स्वर है, दोस्तों कविता का जो केंद्रीय स्वर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्साह और आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 102 कह रहा है कि दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, दोस्तों दिशाएं कवि को इसलिए बुला रही हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 103 कह रहा है कि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास इसलिए है उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर का दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 103 में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा।
104 कह रहा है कि किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैं वो नहीं हूं, इस पंक्ति से व्यक्तित्व को बदलने का पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा 104 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 105 कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी क्या है दोस्तों, तो ये विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर 105 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 106 नंबर प्रश्न, यहाँ से आपका पेडागोगी हिंदी पेडागोगी चालू हो रहा है। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि साथी कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री दोस्तों, ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री दोस्तों क्या था, ये प्रमाणिक था क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिया गया था ना, ये आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया गया, तो ये प्रमाणिक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 107 कह रहा है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कविता शिक्षण में जिनके उत्तर विभिन्न हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 107 नंबर के प्रश्न में, तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका 108 कह रहा है कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है दोस्तों, गद्य शिक्षण में अनुकरण का क्षमता का विकास दोस्तों अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 108 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 109 कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी ध्यान को भी स्थान मिलना चाहिए कि दोस्तों स्थान मिलना चाहिए कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका 109 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 110 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऑप्शन नंबर दूसरा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 111 कह रहा है कि भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कल्पनाशीलता का, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा 111 नंबर के प्रश्न में। 112 कह रहा है कि गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डेस्टिनेशन में मदद करता है दोस्तों, तो ये मदद करता है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार प्राप्त करने में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा 112 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 113 कह रहा है कि आठवीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो सर्वाधिक महत्व कक्षा 8 में अगर दे रहे हैं तो पाठ्यपुस्तक को देंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक। 114 कह रहा है कि आप छठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करते हैं करेंगे, तो 114 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 114 नंबर के प्रश्न में। 115 त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह दोस्तों मातृभाषा और उसके बाद या हिंदी, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 115 नंबर के प्रश्न में। 116 कह रहा है कि व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि दोस्तों, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि जो है वो उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणों। 117 कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर का तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 117 नंबर के प्रश्न में। 118 कह रहा है कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 118 नंबर के प्रश्न में। 119 कह रहा है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, संदर्भ में व्याकरण पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर मदद बल देता है, ऑप्शन नंबर का दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 119 नंबर के प्रश्न में। 120 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का आपका हिंदी भाषा में प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की --- भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर के प्रश्न में। अब दोस्तों चौथा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी भाषा का दोस्तों, तो अब अंग्रेजी भाषा में दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पेपर 2 सामाजिक कदर में दोस्तों लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी भाषा में दोस्तों ये आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ विच इम्ब्रेस, ये पूरा आप लोग कमला देवी वाला है और उनकी दादी वाला है, तो ये पूरा आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा, पैसेज पढ़ा होगा, और इस पैसेज के ऊपर दोस्तों आपका 121 नंबर पर पहला प्रश्न आपका अंग्रेजी भाषा में सेकंड लैंग्वेज में कि लिविंग ए लाइफ विच इम्ब्रेस ट्रेडिशन दोस्तों, तो इसमें आपका विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन दोस्तों, विच जो है क्या है, बेहद सिंपल है दोस्तों, ये आपका प्रोनाउन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चौथा विकल्प आपका पहले नंबर के 121 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प आपका प्रोनाउन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 122 कह रहा है कि विच टू कॉन्ट्रेडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव
इन हर चाइल्डहुड दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा आपका 122 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो, क्योंकि ये पैसेज में स्पष्ट रूप से दिया हुआ था। 123 कह रहा है अंग्रेजी में कि हर फादर डिड नॉट बिलीव इन दोस्तों, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन रिमूविंग ब्राह्मिनिकल रिस्ट्रिक्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा 123 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 124 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर दोस्तों, उसकी दादी के अनुसार कौन सा जो है ग्रैंड मदर के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरा विकल्प आपका सही नहीं है दोस्तों, सी बिलीव दैट वोमेन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ दोस्तों, तो ऑप्शन में दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 125 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर, उसकी माता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सी स्ट्रगल थ्रू लाइफ स्माइलिंगली दोस्तों, ऑप्शन में दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका कथन सही है उनकी माता के अनुसार। नेक्स्ट आपका दोस्तों 126 कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमला देवी मदर रीड टू हर फॉर्म न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बी म्यूजिक वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर दोस्तों। तो आपका 126 नंबर के प्रश्न ऑप्शन में चौथा बोथ ए एंड बी आर राइट दोस्तों, ऑप्शन में आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 127 कह रहा है कि विच इम्ब्रेस ट्रेडिशन, द वर्ड इम्ब्रेस हर मीन्स दोस्तों, इम्ब्रेस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, फॉलो होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका पहला यहाँ पर फॉलो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 128 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि एन एग्जाम्पल बाई ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टी दोस्तों, द वर्ड ओवरकमिंग मीन्स दोस्तों, ओवरकमिंग का मतलब होता है यहाँ पर कंक्यूरिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो है आपका यहाँ पर आपने आप लोगों ने 129 से 135 नंबर तक के प्रश्न के लिए ये वाला पैसेज आप लोग पढ़े होंगे, द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अचीव इन इंडिया थ्रू ए प्रोलॉन्ग स्ट्रगल दोस्तों। तो इस पैसेज को आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद से मेरे मित्रों पैसेज आपका यहाँ तक था इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बाद से इस पैसेज के ऊपर आपका 129 नंबर अगला प्रश्न पूछ रहा है अंग्रेजी भाषा में कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट मतलब होता है आइडिया, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर आइडिया राइट आंसर हो जाएगा 129 नंबर के प्रश्न में। 130 कह रहा है कि द इंडिपेंडेंस वाज अचीव इन इंडिया दोस्तों, द इंडिपेंडेंस अचीव वाज इन द थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रगल दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रगल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 131 कह रहा है कि आवर लीडर विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन दोस्तों, बेस कर रहा था ये आपका भारतीय नेताओं के अनुसार जो है वो बेस कर रहा था, ऑप्शन नंबर चौथा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 131 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 132 कह रहा है कि इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आवर सोसाइटी एज ए कंसिक्वेंस ऑल्सो नीड दोस्तों, तो 132 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, टू गिव इंपॉर्टेंस कल्चरल वैरायटी दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 132 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 133 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ वी आल्सो वांट टू डेवलप यूनाइटेड नेशन विद वन एम, बी ए नोबल एंड लिबरली सोसाइटी डिपेंड्स इंटायरली ऑन इकोनॉमिक वेल्थ दोस्तों। तो 133 नंबर के प्रश्न में आपका जो राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 133 नंबर के प्रश्न में वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर दोस्तों, ए और बी दोनों राइट है, बोथ ए एंड बी राइट दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 133 में चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 134 कह रहा है कि वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन द स्कोप, द वर्ड डिटरमाइन मीन दोस्तों, डिटरमाइन का मतलब क्या है, डिटरमाइन का मतलब होता है इस्टेब्लिश दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 कह रहा है कि आवर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड दोस्तों, एंड क्या है यहाँ पर, एंड कंजक्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा कंजक्शन। नेक्स्ट 136 दोस्तों, अब यहाँ से इंग्लिश पेडागोजी चालू हो रहा है, इंग्लिश पेडागोजी, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपका 136 नंबर पर जो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो 136 नंबर पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया दोस्तों, तो इसमें आपका सी एंड डी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सी है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 137 कह रहा है कि डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रिफर टू दोस्तों, डिक्लेरेटिव जो होता है वो आपका 137 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोइंग द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट इन लर्निंग, ऑप्शन नंबर चौथा आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 137 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 138 कह रहा है कि हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड दोस्तों, तो 138 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों ऑडियो लिंग्विज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, 138 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 139 जो है थोड़ा सा और लंबा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए, थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया जी। 139 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि टीचर ऑफ क्लास
सेवंथ आस्कर लर्नर टू ब्रिंग, दोस्तों ये जो पूरा प्रश्न पूछा था 139 नंबर का प्रश्न, उसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको रेलिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रेलिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 140 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए प्रोसेस टू द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग दोस्तों, तो 140 नंबर के प्रश्न दोस्तों इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा आपका 140 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 141 कह रहा है कि टीचर अरेंज हर लर्नर इन टू पाल्स एंड पेयर्स एंड गिव देयर एम नेक्स्ट टू और पैराग्राफ दोस्तों, तो 141 नंबर का जो प्रश्न था इसमें जिग सा डिक्टेशन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर आंसर हो जाएगा 141 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 142 कह रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड दोस्तों, तो 142 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये दोस्तों ये मैंने पढ़ाया था आपको सीटेट पेडागोगी में, इंग्लिश पेडागोगी में, जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे उनको ये 5-6 प्रश्न तो वैसे पेडागोगी जो यहां पर आए हुए हैं वो सेम टू सेम मैंने पढ़ाया था अपने इंग्लिश पेडागोगी वाले वीडियो में, तो जो भी मेरा वीडियो देखा होगा उसको ये क्वेश्चन देखते देखते इसका आंसर बता दिए होंगे। नेक्स्ट आपका 143 कह रहा है कि जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन ए मशीनरी मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल दोस्तों, इसको कहते हैं, इसको दोस्तों कहते हैं स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहां पर 143 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा स्कैनिंग। 144 कह रहा है कि हियर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड इन सम पैटर्न दोस्तों, ये जो है इसको कहते हैं 144 नंबर के प्रश्न में इसको कहते हैं दोस्तों कंट्रसिव कंस्ट्रक्टिव दोस्तों पेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहां पर 144 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। 145 कह रहा है कि वर्ड विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन हियर्स टू सीम दी दोस्तों, इसको कहते हैं 145 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा दोस्तों, इसको रिस्पेक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं दोस्तों, रिसेप्टिव वोकैबुलरी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 146 कह रहा है कि व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट दोस्तों, 146 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा 146 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट आपका 147 कह रहा है कि पेडागोगिकल ग्रामर मीन्स दैट दोस्तों, पेडागोगिकल ग्रामर मीन्स दैट दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसको कहते हैं टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 147 नंबर के प्रश्न में। 148 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेट एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन पोएम दोस्तों, तो 148 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर चौथा ग्रामर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर 148 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 149 कह रहा है कि टीचर आस्क अ लर्नर टू वॉच ए मूवी टू डे एगो एंड नाउ सी आस्क देम टू हैव ए डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे वुड इफ दे वेयर द हीरो हीरोइन ऑफ द मूवी, व्हाट इज द दिस असाइनमेंट टास्क नोन एज दोस्तों, तो इस 149 नंबर के प्रश्न में इसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसको कहते हैं। 150 नंबर पर मेरे मित्रों आखिरी प्रश्नों का आपका सी टेट 31 जनवरी 2021 पेपर सेकेंड जूनियर स्तर दोस्तों जो हुआ था पेपर, उसमें 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न है आपका व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन्स दोस्तों, फ्लुएंसी का मतलब क्या है रीडिंग में, तो दोस्तों 150 नंबर के आखिरी प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एज इजी विथ एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी 150 प्रश्नों को लाइव इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, सभी प्रश्नों का ताबड़तोड़ आंसर देखा है दोस्तों, और सभी आंसर जो मैंने बताए वो मैक्सिमम दोस्तों आपका लगभग 99.99 आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आपका जब आंसर की ऑफिशियल आ गया तो आपने मिला लीजिएगा, फिलहाल आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि 99.99 आपका ये आंसर बिल्कुल सही बताया गया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि अभी तक जो दोस्त अपना आंसर की नहीं मिला पाए हैं वो आपको शेयर किए जाने से वो इस वीडियो को देख पाएंगे और वो भी अपना आंसर की मिला पाएंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।